इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। पूरी आकाशवाणी की महफिल को, पूरी आकाशवाणी टीम को 1602 किलो हर्ट्ज पर फोन इन फरमाइश का प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे प्यारे अरुण सर, महकता खनकता प्रोग्राम लेके आप हाजिर हो चुके हैं। हमने लंबा डायल किया है 222-10-52 यानी 222-10-52, बातचीत शुरू हो चुका है आपसे अरुण सर, प्यार भरा नमस्कार। क्या कहने अशोक प्रजापति जी, आप आते हैं ना तो पूरा हमारा सिग्नेचर ट्यून फिर से आ जाता है, ये अच्छी बात है जी। अरुण सर, ये बड़क्कन आपका है। ये अच्छा है अशोक जी की आज ही आपके जो साथी हैं जिनका जिक्र आप बार बार कहते हैं, हम लोग के बड़े ही पुराने श्रोता हैं असगर अली जी, तो उन्होंने भी आज ही फोन किया और उन्होंने भी आपका नाम जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आज वो फरमाइश बताएंगे क्योंकि आपने कहा है कि वो फरमाइश बताया करें। जी जी, असगर अली जी का मौसम बदल गया अशोक जी, और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? कार्यक्रमों में भी बहुत सी तब्दीलियां आई, तो ये सब भी आपको पसंद आ रहा है लगता है, गीत संगीत के कार्यक्रम बढ़े। जी 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 अरुण सर जी जी। तो आज कौन सा गीत सुनना है आपको? जी अरुण सर, एक गीत तो सुनना मुझे जरूर है, पसंद किया हूँ जरूर। फिल्म का नाम है जी टाइटन सॉन्ग गाना है, जीवन की रास्ते जो धूम के चलते हैं, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। गीत अब आपको सुनवा दे, लग रहा है ध्यान कहीं और है आपका। जी अरुण सर, ध्यान हमारा कहीं और है, मैं सोच रहा हूँ क्या और कहना कि अरुण सर को शायद मैंने आज परेशान कर दिया गाने निकालने में, नहीं इसीलिए थोड़ा सा गाना ना। जीवन के रास्ते जो धूम के चलते हैं, हिम्मत से ताकत से, इसी तरह गाना है। जरूर हम देख लेते हैं और गीत आपको सुनवा रहे हैं अशोक जी, आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जाते जाते एक बात करना चाहता हूँ अरुण सर, हम लोग फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल इसी प्रोग्राम। अरुण सर, प्यार भरा नमस्कार, हमारे सीपू से असगर अली जी को भी नमस्कार। जी जी, सभी को नमस्कार, आपको भी शुक्रिया। जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। भगवान है तेरे साथ, रहमान है तेरे साथ। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। भगवान है कर दिया पसीना, यारो उसी ने सीखा इस जिंदगी को जीना। जिसने के आंसुओं को खुद कर दिया पसीना, यारो उसी ने सीखा इस जिंदगी को जीना। जीवन के रास्ते में
जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी, पावन है पानी जब तक रहे रवानी। रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी, पावन है पानी जब तक रहे रवानी। भगवान सही मेहनत सही तो भाग बदलते हैं। ताकत है हौसले में इंसान से भी ज्यादा, टूटे भले ही सांसे टूटे न पर इरादा। ताकत है हौसले में इंसान से भी ज्यादा, टूटे भले ही सांसे टूटे न पर इरादा। भगवान है जीवन के रास्ते में, जी तुम की जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, हम पारस यादव बोल रहे थे सर, बहादुरपुर से पड़ाव से। तो ठंड लग रही है कि नहीं पारस जी? नमस्कार। नमस्कार भैया, पहले किए क्योंकि वापस ठंड आ गई और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही है, खासतौर से अगर बाहर निकलना हो और खिड़की दरवाजे खुले हो तो। धूप हो जा रहा है सर, इससे थोड़ा राहत मिल जा रहा है। हाँ, वरना धूप भी बहुत देर से हो रही है, करीब 10 बजे 11 बजे करीब ऐसी धूप हो रही है पिछले कुछ दिनों से। जी सर, अगर ये धूप न निकलती तो ठंडी और बढ़ तो गई और बढ़ जाती। और प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं आपको, क्योंकि निरंतर आप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जी सर। तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप? जाते हेलो फरमाइश सुनते हैं। हाँ, आज कौन से गाने की फरमाइश है पारस जी? शिवरात्रि आने वाला है सर, तो भोलेनाथ के उपलक्ष्य में कोई गाना हो जाए तो अच्छा है। जी, तो पसंद से भोलेनाथ का कोई गाना सुना दीजिएगा। जी आइए, हम आपको सुनवाते हैं गीत। आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। शिव शंकर हे करुणा कर, परमानंद महेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे शिव शंकर हे करुणाकर, परम
मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो तुम अपना ये स्वर, हे शिव शंकर हे करुणा कर परमानंद महेश्वर। जमाया मौन गान का ध्यान जमाया, योग राग को ही माना, तुम ही बने हो तान प्राण की, तुम ही बने हो तान प्राण की, मेरे तन मन को पावन कर, हे शिव शंकर हे करुणा कर परमानंद महेश्वर। रुद्रवीन झंकार तुम्हारी, रुद्रवीन झंकार तुम्हारी, क्षुद्र जनों से रही अनसुनी, धन्य तुम्ही हो जाओ सुरेश्वर, धन्य तुम्ही हो जाओ सुरेश्वर, अपने मुख से सुन अपना स्वर, हे शिव शंकर हे करुणा कर परमानंद महेश्वर। के झमके अधरों की मुस्कान तुम्हारी चम चम चमके, घिर घिर आए मेघ भयंकर गरज गरजते, गूंजा नूपुर नाद तुम्हारा थिरक थिरकते, तुमने हाँ कहा जिस पल उमापति, शीश की गंगा धरा पर उतर आई छल छलाती, गगर निरेगा मादा निरेगा रेगा, गीत की हर लहर पर तुम झूम कर नाचो नटेश्वर, आज इस आनंद वर्षा में नहाओ तुम महेश्वर, आज इस आनंद वर्षा में नहाओ तुम महेश्वर, शिव शंकर महेश्वर, शिव शंकर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। दुनिया में तेरा है बाना,
आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, हे राम राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ाना। क्या खूब, और इस आवाज के साथ अगर किसी दर पे दस्तक दी जाए तो यकीनन दुआ कबूल होती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया दादा नवाजी। इसके लिए मैं तकिया मणिया हूँ, जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ। इधर आपसे कई करीब डेढ़ दशक हो गए बातें हो रही हैं, लेकिन इधर दो चार प्रोग्राम से आपका हर गीत कुछ मैसेज देता हुआ लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं जो आप गीत के जरिए कह रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा बस मन फिलोसफी की तरह हो गया। बिल्कुल, आकाशवाणी से लेकर थोड़ी नाराजगी तो चली रहा है, क्योंकि बहुत ही खुशदिल और खुश मिजाज और उस तरह के गाने जिनमें बिल्कुल बेतकल्लुफी हुआ करती थी या फिर एक अल्लड़पन होता था, वो गाने अब आपकी फरमाइश में नहीं आ रहे हैं। आएंगे सर, आएंगे, वो भी आएंगे और सब बढ़िया है। मौसम की तरह समय और मिजाज बदलता रहता है। बिल्कुल, और उस पे किसी का वश नहीं है, ये तो कुदरतन होता है। जब जो बदलाव आ जाए, कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज थोड़ा सा मन मायूस रहता है किसी कारण से। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और कैसे हैं, क्या हाल चाल है? दोस्तों मित्रों से भी लगता है सभी आपस में व्यस्त हो गए, क्योंकि एक समय था सभी एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। बिल्कुल सही बात आपने की सर, और लोग आजकल बहुत बिजी रहने लगे हैं, तो इसलिए बातचीत हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। इसमें मोबाइल का भी दोष है, अगर बहुत से लोग अगर दोस्तों मित्रों को भूल जा रहे हैं तो मोबाइल में इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि जरा भी समय लग रहा है कि 6-6, 8-8 घंटे 24 घंटे में लोग मोबाइल की स्क्रीन ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले ये शिकायत थी कि लोग टेलीविजन देख रहे हैं, तो अब टेलीविजन उतना नहीं लोग देख रहे हैं लेकिन मोबाइल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए चश्मे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। जी, दो लाइन बोल दे सर। जी यकीनन, जमाने भर के दुखों को गले लगाया है, जमाने भर के दुखों को गले लगाया है, तब कहीं जाके तेरे दिल में घर बनाया है। वाह वाह, उतारू क्या मैं निगाहों से आरती तेरी, उतारू क्या मैं निगाहों से आरती तेरी, बड़े नसीब से तुझको करीब पाया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्हीं चीजों से ख्याल उपजते हैं और अच्छी चीजें अच्छी बातें मन में आती हैं। और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? बिल्कुल सर, लता जी की आवाज में गाना है और फिल्म का नाम तो इस वक्त मैं भूल रहा हूँ। चलिए, आप जब तक सुनाएंगे हम फिल्म का नाम आपको बता देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गीत कुछ इस तरह से है। जी अताओ। गीत याद भी नहीं आ रहा है सर, देखिए मैं एक बैक कॉल लग जाता है तो आप अक्की बक्की सब भूल जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ स्टूडियो में लाइट होती है और जब लाइट जलती है तो कई बार लोग भूल जाते हैं कि क्या कहना है क्या बोलना है जब स्टूडियो ऑन होता है। बिल्कुल तो लता जी की आवाज में गाना सुनवा दीजिए, गाने के बोल थोड़ा सा मैं गुनगुना दे रहा हूँ। जी, कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बाल मां तू बड़ा वो है, जालिमा तू बड़ा वो है। इसमें जो वो है वाली बात है ना, इसी से ये गीत याद रह जाता है। बिल्कुल सर, और बहुत ही खूबसूरत गीत है और कमाल का लिखा है कि तू बड़ा वो है। देखिए, बात नहीं कही, आप बड़े वैसे हैं कह के अगर कहा जाए तो। गीत ये वाला आपको सुनवा रहे हैं, आपकी फरमाइश पर, बहुत खूबसूरत आपने गाया। आपसे फिर बातें होंगी, उम्मीद करें आप जल्दी खुश दिल खुश मिजाज हो जाएं और ताकि अच्छे अच्छे गाने हमें सुनाए। शुक्रिया जमील जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे रोने पे तू मुसाया बालमा, तू बड़ा वो है जालमा, तू बड़ा वो है, कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया बालमा, तू बड़ा वो है जालमा, तू बड़ा वो है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, अहमदनगर बैठिया से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। स्वागत है बदरुद्दीन जी, कैसे हैं और धूप निकली कि नहीं, क्योंकि आजकल लगातार ऐसा हो जा रहा है कि बादल हो जा रहे हैं। जी जी, धूप तो यहाँ पे निकली हुई है, उसे फिलहाल तो हम थे एक हफ्ते से अजमेर शरीफ। जी जी, और अभी लौट आए हैं कि वहीं पे हैं अभी? नहीं नहीं, आ गए, पानी बनारस आ गए। तो वहाँ अकेले गए थे या फिर पूरा ग्रुप गया था? कई बार हमारे श्रोताओं के ग्रुप की तरह लोग जाते हैं, कई लोग एक साथ। नहीं, हम लोग कई लोग, करीब 8-10 लोग थे। और अच्छे से आप लोगों की यात्रा बीती?
बहुत बढ़िया भी थी। बस यही हुआ कि वहाँ पे हम लोग पहुंचे तो वहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी सर। हाँ हाँ, पश्चिमी इलाके में बारिश हुई है इधर, और उधर से ही ये जो बादल वगैरह आ रहे हैं वो उधर से ही आ रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा रहा। कहाँ कहाँ गए आप, या अजमेर शरीफ में ही रहे और वहाँ आसपास देखा आपने? नहीं सर, कहीं जा नहीं पाए। बारिश करीब लगातार जो तो 20 घंटे बारिश हो गया। इसलिए फिर तो रास्ते वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है निकलने में। घूम नहीं पाए इस बार। जी जी, तो अब आप आए हैं और अब हमारे कार्यक्रम सुने, तो अगली दफे बात होगी तो आपसे विस्तार से तफसील से बात होगी। आज कौन से गाने की फरमाइश है? एक फिल्म आई थी जन्म जन्म, उसमें गीत है चीज लाया है तेरा प्यार मुझे, कोई पत्ता वाला है, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति के आवाजें हैं। ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। समझा है के तू है शायद, यूं तेरी राह में आँखों को बिछा रखा है। चाहत में कटे
उम्र जितनी भी है बाबी तेरी चाहत में कहे उम्र जितनी भी है बाबी तेरी चाहत में कहे तेरे चेहरे से नजर प्यार की एक पल ना हटे हम तेरी दुनिया में यार चले आए खेच लाया है तेरा प्यार चले आए हैं तोड़ के दुनिया की दीवार चले आए कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश प्रणाम गुरुदेव प्रणाम प्रणाम स्वागत है अनिल कुमार गुप्ता गौन अशोक विहार कॉलोनी फेस टू पहड़िया वाराणसी से जी बहुत शुक्रिया इसलिए कह रहे हैं कि आप जैसे कुछ एक जो श्रोता है ना उनकी आवाजें भी हमारे श्रोता पहचान गए हैं और आप लोगों की निरंतरता हम लोगों के कार्यक्रमों से जो जुड़ाव है अपनापन है वो काबिले तारीफ है हम सभी शुक्रगुजार हैं आपके आपकी आवाज और बुलंदी और जिसमें मैंने आग्रह किया था आपसे वीर रस में कोई भी कविता चाहे श्याम नारायण पांडे की ही कविता हो रणवीर चौकड़ी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था क्या कहने बचपन में हम लोग इसे गाया गुनगुनाया करते थे हाँ यदि होता मैं किरण रेश में राजमहल में रहता सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट तो चलिए और सब ठीक है और आप कुछ कहिए क्योंकि आपकी आवाज के आगे हम क्या बोले नहीं लेकिन बोलना तो आपको ही है और आप लोगों से देखिए प्रोग्राम की खूबसूरती हमारे श्रोताओं से आप जैसे श्रोताओं से ही होती है हाँ तो आजकल कौन सा गीत सुनना है जी बताएं बसंत चल रहा है बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं आप भी आज सुबह निकले होंगे तो जी जी अच्छी क्या कहें बहुत तेज और ठंडी हवा भी है ये जी जी और बादल भी है जी बसंत का वो दौर था जब हम लोग थोड़ा सा गांव और शहर भी इस तरह से शहर नहीं होते थे फूल पेड़ पौधे पहले ज्यादा थे तो ऋतुओं का बदलना और आना जाना मालूम पड़ता था अब हर ओर बिल्डिंग ही बिल्डिंग सड़कें ही सड़कें तो कई बार हो सकता है कि ऐसा लगता है कि गमलों में बसंत आता है लेकिन शहर में सड़कों पर और बाग बगीचे भी उतने नहीं रह गए अब तो शहरों में आसपास में तो मौसम का बहुत कुछ बदलना उतना मालूम नहीं होता शहर में खास तौर से जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो सामने पार्क है और पार्क में पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं जी जी तब तो वही वही आनंद जो है मतलब आनंद मिलता रहता है हवा का और हम लोग जी 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 बोलनी जरूर आपको वो भोजपुरी ना बोले निकाल रेडियो पे तो नहीं बोलते
नहीं आपको तो भोजपुरी, आपकी भोजपुरी, राहुल भोजपुरी, हमार भोजपुरी एक लिखा होके चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक ही है, गाजीपुर बलिया और उधर बिहार के कुछ इलाकों की जो भोजपुरी है वो बिल्कुल वही है जो आप बोल रहे हैं। हाँ तो ऐसा बा की ए बेरा बसंते के ऊपर एगो गाना हो जाए जी। 1956 के फिल्म रहे बसंत बहार। में भीमसेन जोशी जी 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 और मन्ना डे जी के आवाज रहे। केतकी गुलाब, गुलाब जो ही चंपक बन फूले, चंपक बन फूले। बहुत अच्छा गीत है, देखिए गीतों में कितना अच्छा बसंत आ गया। शैलेंद्र जी के लिखल रहे, शंकर जय किशन किशन एकरा के संगीत बद कैले रहा। बहुत अच्छा, तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं अनिल जी। जी और शुक्रिया आपको कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। नमस्कार, शुक्रिया, प्रणाम गुरु जी। तेरे ना केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारो की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, पूजल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगा, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी रसा ददनी रसा मदनी रसा निद पा मग ग निग मगर सा सम मनी ददनी नि निमा मनी निमा गद मदनी ददनी मगर सा मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोर, चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए, शीश झुके चल चल लट गालन को
छूले गालन को छूले केत की गुलाब जू चंपक बन फूले केत की गुलाब जू चंपक बन फूले केत की गुलाब जू कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। जी सर, मैं संजीव चौहान बात कर रहा हूँ, गाजीपुर मुगल पोस्ट पोटाकला जिला पीलीभीत से सर। बहुत अच्छा, और एक अरसे बाद आपसे बात हो रही है और हमारे प्रोग्राम में आपका ये जो अंदाज आता है तो ये एक अलग ही शाइस्तगी देता है, इस प्रोग्राम को बख्शता है। जी जी सर, आप बताएं, आप लोग सर आकाशवाणी परिवार में और आपके अपने परिवार में सभी लोग कैसे हैं? हम सभी अच्छे से हैं, मौसम थोड़ा सा उलटफेर वाला है, कभी थोड़ा सा लगता है कि ठंड जा रही है लेकिन वापस ठंड आ जाती है। आपके यहाँ भी तो और तराई इलाके में तो और ज्यादा ठंड पड़ती होगी। जी जी बिल्कुल सर, अभी सर मौसम करवट बदलता रहता है लेकिन आपके कार्यक्रमों के द्वारा सर हम तक सर गर्माहट मिलती रहती है। हम लोग की कोशिश भी वही होती है और आजकल तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोताओं की सहभागिता होती है, तो श्रोताओं से जो परस्पर मेल जोल है, उनकी जो ये जो शिरकत करने की एक तरह से कहें कि परंपरा चली आ रही है, तो उससे गर्माहट वाकई प्रोग्राम जो है वो खुश मिजाज और खुश अंदाज होते जाते हैं। जी जी तो क्या कुछ सुनाएंगे आज हमें? जी सर, आपसे कहना चाहूंगा कि ना आप दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, ना आप दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, और अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का ये सफर, बहुत अच्छा लगेगा जिंदगी का ये सफर, आप वहां से याद करना और हम यहाँ से मुस्कुराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एक अरसे बाद अच्छे अशार हमने सुने और जो कि बड़े मीनिंगफुल भी हैं। और हर आदमी अगर अपने हिस्से का जो उसकी वफादारी है, जो उसका स्नेह है, उसको अगर वो अता करे, निभाए, तो वाकई हर रिश्ता कितना ही सुमधुर और खूबसूरत हो जाए। जी। कौन से गाने की फरमाइश है आज? सर गीत सुनवा दीजिए सर, मुकेश जी की आवाज में कोई सा भी गीत सुनवा दीजिएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। और आपसे करीब 4 साल के बाद बात हो रही है तो सर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर, इससे मैं अल्फाजों के माध्यम से सर बयां नहीं कर सकता सर। जी हमें भी अच्छा लगता है और आपका अंदाज और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, तो आइए सुन लेते हैं गीत। ये सुन लें कि दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, बहुत अच्छा सा गीत है। उपकार का गीत सुनवाते हैं आपको मुकेश की आवाज में, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दीवानों से ये मत पूछो मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों
पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फॉर आयुष। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से। आमतौर पे आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग 11:15 तक हो
हो जाती है, तो इसी अंतराल में आप हमें फोन करें, निरंतर प्रयास करें, आपका फोन इंशाल्लाह जरूर लगेगा। और प्रसारण इस रिकॉर्डिंग की जो होता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण, वो शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर 2:30 से 3 और अगले दिन इतवार को 12 से 1 बजे तक। और इसी इतला के साथ अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सोचो